नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस चैनल मौर्य गुरु एकेडमी पर। दोस्तों मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 12th पास छात्रों को 25,000 रुपये और स्नातक पास छात्रों को 50,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 50,000 रुपये आप लोगों को स्नातक पास छात्रों को मिलेगा और 12th पास छात्रों को 25,000 रुपये। दोस्तों इस वीडियो में पूरी आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, यानी लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में बताया जाएगा कि 12th पास छात्रों को 25,000 रुपये कैसे मिलेगा और स्नातक पास छात्रों को 50,000 रुपये कैसे दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिएगा, आप लोगों को पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। दोस्तों उससे पहले कुछ हम आप लोगों को ऐसी बातें याद दिलाना चाहते हैं जो आप लोगों को बहुत ही जानना छात्रों को जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को याद होगा कि इलेक्शन के समय, जी हाँ इलेक्शन के समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा ये ऐलान किया गया था सभी छात्रों के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को मालूम ही होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया था कि मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद सभी छात्रों को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत इंटर पास छात्रों को 25,000 रुपये दी जाएगी और स्नातक पास छात्रों को 50,000 रुपये। आप लोगों को मालूम ही होगा यह ऐलान मुख्यमंत्री ने भरे सभा में अनाउंस किया था और सभी छात्रों को मालूम ही होगा। तो चलिए आज उनकी कही हुई बातें को पूरा यह सच हो रहा है और सही में सभी छात्रों को मिल रहा है। स्नातक पास छात्रों को 50,000 रुपये मिल रहे हैं और 12th पास छात्रों को 25,000 रुपये। तो आपको कैसे मिलेगा इस वीडियो में जान लेते हैं। इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू यूजर हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी को हिट कर दीजिएगा कि आने वाली प्रत्येक नोटिफिकेशन अपडेट भी अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों हम बता दें आप लोगों को कि हम यूनिवर्सिटी बोर्ड और योजना पर रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं इस चैनल पर। आप लोग सभी छात्र सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन वाली घंटी को हिट जरूर कर दीजिएगा कि आने वाली बगल में हर तरह की नोटिफिकेशन जेपी यूनिवर्सिटी, चाहे मगध यूनिवर्सिटी, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी योजना के तहत आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। ठीक, तो सभी लोग चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बिहार कैबिनेट का मोहर, अविवाहित 12वीं पास छात्रों को 25,000 रुपये, स्नातक पास छात्रों को 50,000 रुपये देगी बिहार सरकार। जी हाँ, आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों बिहार सरकार ने खुद ये अनाउंस किया है, देख सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को, यानी कल को, कुल 18 एजेंटों पर मुहर लगी है। ठीक, 18 एजेंटों पर मुहर लगी है। लड़कियों को मिलेगा आर्थिक मदद, वह भी ये देख सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण फैसला शिक्षा विभाग से संबंधित लिया गया है। अब बिहार में अविवाहित लड़कियों को 12th पास, देख सकते हैं, छात्रों को 25,000 रुपये, अविवाहित और देख सकते हैं विवाहित और अविवाहित लड़कियों को स्नातक पास छात्रों को मिलेगा 50,000 रुपये। ठीक, प्रोत्साहन राशि के तहत ये राशि सिर्फ शिक्षा के लिए मिल रहा है आप लोगों को, जो शिक्षा विभाग से आगे की पढ़ाई कर सकती हैं। ठीक, आप लोगों को एक बात और बता दूं मैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सभी लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्रेस नोट है आप लोगों के लिए। सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के तहत मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से इंटर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित कन्याओं को 25,000 रुपये मिलेगा, देख सकते हैं 25,000 रुपये, और स्नातक समकक्ष उत्तीर्ण होने पर 50,000 रुपये। ठीक, तो आप लोगों को चलिए जान लेते हैं। इसका मैं आप लोगों को दोस्तों एक लाइव प्रूफ न्यूज भी दूंगा, जो लाइव प्रूफ न्यूज में अभी अभी अपडेट जारी किया गया है। ठीक, सभी छात्रों के लिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर लाइव प्रूफ वीडियो बनाया जाता है, कोई भी ऐसा वीडियो नहीं, आप लोगों के लिए पूरा लाइव प्रूफ इन्फॉर्मेशन के साथ ये वीडियो लेके आए हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के पहले यहां पर आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जो 7 निश्चय पार्ट 2 की घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने राज्य में महिला सशक्तिकरण को लेकर वादे किए थे, अब सरकार बनने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने उस पर अमल करना शुरू कर दिया है। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया आप लोगों का अपडेट। अब मैं आप लोगों को वह न्यूज अपडेट दिखाना चाहता हूं, आज की ये न्यूज अपडेट में भी इन्फॉर्मेशन ये दिया हुआ है। ठीक है, न्यूज अपडेट देख लीजिए, एंड तक जाना मत कहीं आप लोग, वीडियो को छोड़ के आप लोग पूरा अंत तक जरूर देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये आज का न्यूज़ अपडेट है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखा देना चाहता हूँ, आज का ये डेट दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे चैनल पर विश्वास के साथ आपको वीडियो दिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, आज हो गया है बुधवार 3 फरवरी 2021। ठीक, आप लोगों को ये तो विश्वास हो गया, चलिए आप लोगों को बताते हैं। इंटरमीडिएट पास पर देख सकते हैं, इंटरमीडिएट पास को 25,000 और स्नातक पास उतने को मिलेगा 50,000 रुपये। ठीक, ये खबर न्यूज़ में भी फैल चुका है और ये अपडेट आप लोगों को पूरी जानना जरूरी है। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख,
लीजिएगा, क्योंकि वीडियो को देखिए शेयर करना और सभी छात्रों हित में। देखिए आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद सभी छात्रों हित में शेयर कर दीजिएगा कि सभी छात्रों को मालूम चल सके और सभी छात्र आगाह हो जाएं, मतलब उन लोगों को भी पता चल जाए। ठीक, वीडियो को शेयर करना लाइक करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को यहाँ पर गौर करना है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत अब इंटरमीडिएट पास अविवाहित लड़कियों को मिलेगा 25,000 और स्नातक उत्तीर्ण सभी विवाहित अविवाहित दोनों को लड़कियों को मिलेगा 50,000 रुपये। ठीक, ये राशि आप लोगों के लिए बड़े महत्वपूर्ण रखती है। और देखिए इसमें बता दूं मैं कि एक मुश्त मिलेगी, अब तक इस योजना में इंटरमीडिएट को 10 और स्नातक उत्तीर्ण लड़कियों को 25,000 रुपये दिया जाते थे। देखिए आप लोगों को बता दूं कि अगर आपका 12th पास हो चुके हैं और आपका कंप्लीट हो चुका है 12th और स्नातक जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, आप अपने कॉलेज के माध्यम से संपर्क करके ये राशि का लाभ उठा सकते हैं और आप इसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि 12th पास छात्रों को बिहार सरकार देती है, पहले देती थी आप लोगों को पता ही है कि 10,000 रुपये, ठीक है, और 15,000 रुपये, लेकिन अब मिल रहा है 25,000 से 50,000 रुपये। तो इसका राशि लाभ उठाने के लिए आप ऑनलाइन घर दुकान पे भी साइबर कैप पे भी ऑनलाइन करवा सकते हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत। और अगर आप बोलेंगे कि सर योजना ये इस योजना के तहत ऑनलाइन कैसे किया जाता है, तो हम भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कैसे ऑनलाइन किया जाता है। तो आप इस वीडियो को जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जो अगर चाहते हैं खुद से ऑनलाइन करना, और अगर नहीं तो आप साइबर कैप या कॉलेज के माध्यम से भी ऑनलाइन करवा सकते हैं। ये बड़ी इन्फॉर्मेशन है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यहीं तक वीडियो आप लोगों को समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा बहुत जल्द। तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद जय वंदे मातरम। ये खबर आप लोगों को बताना बहुत जरूरी था क्योंकि सभी छात्रों को विश्वास हो जाए कि ये इन्फॉर्मेशन रियल है और सही है। ठीक, तो आप लोगों को हालांकि वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो कैसी रहे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे बहुत जल्द। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोगों के लिए मैं बिहार बोर्ड की तरफ से भी वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया हूँ। जितने भी जो 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं उनको बताइए कि हमारे इस चैनल पर मौर्य गुरु एकेडमी पर आ जाएं, और 12th और इंटरमीडिएट के जो छात्र हैं, जो मैट्रिक के छात्र हैं, उनको भी न्यूज मिलेगा इस चैनल पर। आप लोग आके सब्सक्राइब करवा दीजिए, उनको भी बोल के आपके दोस्त यार फ्रेंड जो भी होंगे जो 10th 12th के होंगे उनको बता दीजिए कि इस पर न्यूज अपडेट मिलता रहेगा इस चैनल पर। आप आके सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें इस चैनल को, क्या हर तरह नोटिफिकेशन मिलता रहे। उनके लिए ग्रुप भी बनाया गया है, ग्रुप भी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका ग्रुप का लिंक दिया जाता है। ठीक, आप लिंक पर भी उसके ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद जय वंदे मातरम।